चलिए भाई शुरू किया जाए यार। ठीक भाई, अपना म्यूट कर लो। ये तो आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से। ठीक, कल तो हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे का कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब दो या दो से अधिक बर्तनों को एक नए बर्तन में क्या किया जाए, पलट दिया जाए। ठीक, जैसे एक बर्तन ये है, दूसरा बर्तन ये है और तीसरा बर्तन ये है। हमने तीन बर्तन लिए हुए हैं और इसमें एल्कोहल और पानी, एल्कोहल और पानी का मिश्रण भरा हुआ है और इनका अनुपात है 2:3। दूसरे बर्तन में 7:3 और तीसरे बर्तन में 4:1। बोला कि इन तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाए, इन तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाए। तो इस बड़े बर्तन में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो करना क्या है, 3 2 कितना हो रहा है, 5, 7 3 कितना हो रहा है, 10, 4 1 कितना हो रहा है, 5। पहले इनको इकट्ठा करते हैं, 3 2 5, 7 3 10 और 4 1 5। यानी जो टोटल मेरा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5 10 और 5। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम एलसीएम लेकर के बराबर कर लेंगे। 5 10 5 का एलसीएम आ जाएगा 10। तो इसमें 10 करने के लिए किसका गुणा कर देंगे, 2 का। ये तो 10 है, इसमें क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। और इसका क्या करेंगे, जो हमने अपनी तरफ से गुणा किया है इसी को हम अंदर गुणा कर देंगे, इसे 2 का गुणा अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कर दोगे तो 8 और 2। ठीक, अब क्या करना है कि सभी से एल्कोहल इकट्ठा कर देना, सभी से पानी इकट्ठा कर देना, एल्कोहल और पानी। तो इसमें एल्कोहल है 4, पानी कितना है, 6। इसमें आते हैं तो 7 और 3, इसमें आते हैं तो 8 और 2। ठीक, ये अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो रहा होगा मेरा, 19। और इसको अगर हम जोड़ रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा, 11। तो मेरा आंसर आ जाएगा 19:11। बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, 19:11। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको बोलते हैं। देखिए कैसे, एक बर्तन दिया गया है, नहीं दो बर्तन दिए गए समान धारिता के, दो बर्तन दिए गए समान धारिता के। पहले में दूध और पानी का अनुपात रखा है 7:3 और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात रखा है 13:2। बोला कि इन दोनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाता है। तो इस बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, इस बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 7 और 3 यहाँ कितना हो रहा है, 10, यहाँ कितना हो रहा है, 15। 7 3 10 3 13 और 2 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इनको बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे, ये 10 और 15 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 30। तो इसमें गुणा करा दो 3 का और इसमें गुणा करा दो 2 का, जो अपनी तरफ से किया भाई अंदर करके जा करके। 3 का 7 में करा दो 21 और 3 करा दो तो हो जाएगा 9। इधर 2 का अंदर कर दो जाके तो ये हो जाएगा 26 और इसमें करा दोगे तो ये हो जाएगा 4।
तो ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा मेरा 13, तो मेरा आंसर आ जाएगा 47:13। ठीक, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बताओ भाई, हो जाएगा ना सॉल्व? चलिए तो फिर क्वेश्चन नोट कीजिए। चलो क्वेश्चन लिखो। सोने और तांबे के दो मिश्र, सोने और तांबे के सोने और तांबे के दो मिश्र सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः सात अनुपात 2 तथा 7:11, 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, दो बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण पांच अनुपात तीन तथा 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया इन दोनों मिश्रणों को बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। तीसरे मिश्रण में
तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी, स्पिरिट और पानी का अनुपात बताइए। अगला क्वेश्चन, बराबर धारिताओं के तीन बर्तन है, बराबर धारिताओं के तीन बर्तन हैं, बराबर धारिताओं के तीन बर्तन हैं, पहले बर्तन में गंधक के अम्ल, पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात, और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है, 7:3 है, जबकि तीसरे बर्तन में 11:4 है, 11:4 है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए, तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? अगला क्वेश्चन, चार मिश्रणों में दूध और पानी, चार मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः, चार मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3 3:2 तथा 7:8 है। 1:2, 2:3, 3:2 तथा 7:8 है। यदि उनकी बराबर मात्राएं, यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाएं,
परस्पर मिला दी जाएं तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? कितने क्वेश्चन हो गए? चार क्वेश्चन। चलिए ठीक, देखिए तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि सोने और तांबे का अनुपात है 7:2 और दूसरे में अनुपात था 7:11। पहले में 7:2 है, दूसरे में 7:11 है। इनको मिला दिया गया तो यहां पे अगर देखा जाए तो 9 हो रहा है, यहां पे देखा जाए तो 18 हो रहा है। एक में देखा जाए तो 9 हो रहा है, एक में देखा जाए तो 18 हो रहा है। इसमें 2 का हमने गुणा कर दिया, बराबर हो जाएगा। 2 का अंदर कर दो जाके तो 14 और 4 हो जाएगा। इसमें से 7 और 11 ये बन जाएगा 21, ये बन जाएगा 15। अनुपात निकाल लो, 3 से कट के 7:5 आंसर आ जाएगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। ठीक, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अनुपात दिया गया 5:3 और दूसरे बर्तन में 2:3। बोला कि इन दोनों को एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाए, तो इस बड़े बर्तन में इनका अनुपात क्या होगा? ठीक, तो यहाँ हमने देखा 8 हो रहा, यहाँ देखा हमने 5 हो रहा। एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम 40 आएगा। इसको 40 करने के लिए 8 का गुणा करा दो, इसमें 5 का करा दो, जो अपनी तरफ से गुणा किया वही अंदर कर देना। तो इसमें कराओगे तो 25 बन जाएगा, इधर कराओगे तो 15 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से 8 का इसमें करा दो 16 बन जाएगा, इसमें करा दो तो 24 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा आपका 41 और ये बन जाएगा आपका 9:39। तो आंसर आपका आ रहा होगा 41:39। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था कि बराबर धारिता के 3 गिलास हैं, अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो अनुपात दिया गया था। पहले बर्तन में 3:2 है, दूसरे बर्तन में 7:3 है और तीसरे बर्तन में 11:4 है। बोला कि इसको क्या किया गया, बड़े बर्तन में पलट दिया गया है सबको, तो इस बड़े बर्तन में इनका अनुपात बताओ। तो यहाँ पे देखा 5, यहाँ पे देखा 10, यहाँ पे देखा तो 15 हो रहा था। 3, 2, 5, 7, 3, 10, 11, 4, 15। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका आएगा 15, इसमें गुणा करा देंगे 3 का, सॉरी 15 नहीं आएगा,
30 आया, इसमें गुणा करा दो 6 का, इसमें करा दो 3 का, इसमें करा दो 2 का, और जो गुणा हमने अपनी तरफ से किया वही हम अंतर कर देंगे जाके। तो 6 का इसमें कर रहे होंगे तो 18 और 12, 3 का कर रहे होंगे तो 21 और 6, 2 का कर रहे होंगे तो 22 और 8, बस इनको हम जोड़ दे रहे होंगे, इसको हम जोड़ रहे होंगे तो ये 11 1 और ये 6 61, इधर जोड़ रहे होंगे तो 20 26, कितना हो रहा 26, यही आ रहा है 29। कहाँ गलत हो गया है, सॉरी ये 3 × 9 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 29। ठीक, चलिए समझ गए, तो ये आपका आ जाएगा 61:29 इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है कि 4 वर्तक हैं और उन चारों वर्तक में दूध और पानी 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8 के अनुपात में रखे गए हैं। बोला कि इन सभी को एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाता है, तो इस बड़े बर्तन में इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो रहा है 3, यहाँ पे 5, इधर 5 और इसमें 15, तो जो इनका एलसीएम आ रहा होगा वो एलसीएम आ रहा होगा 15, इसमें गुणा करा दो 5 का, इसमें 3 का, इसमें भी 3 का, उसमें कुछ नहीं होना है। ठीक, तो 5 का अंदर कर रहे होंगे तो 5 और 10, 3 का कर दोगे तो 6 और 9, यहाँ 3 करोगे तो 9 और 6 और यहाँ तो 7 और 8, इनको इकट्ठा कर ले रहे होंगे हम, ये सब जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 6, 5, 11, 20, 27, और इसमें अगर हम जोड़ रहे होंगे तो आ रहा होगा मेरा 10, 19, 19, 25, 25 और 8, 33, कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 3 से कट रहा होगा 9:11, तो इसमें मेरा आंसर आ रहा होगा 9:11, इस टाइप से क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो रहे होंगे। बताइए भाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हो जाएंगे ना। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम बोलेंगे वो आप लोगों को लगा के देना है। ठीक, एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको आप लोग करके बताओ, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। चलो देखो क्वेश्चन नोट करो, 3 बर्तन बराबर माप के हैं, 3 बर्तन बराबर माप के हैं, तीनों में दूध और पानी, तीनों में दूध और पानी, तीनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3, 4:5, 6:7 के अनुपात में है। और इन सभी को एक बड़े बर्तन में, इन सभी को एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाता है, उस बड़े बर्तन में
दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पहले बर्तन में 2:3 है, दूसरे में 4:5 है और तीसरे में 6:7 है। तीसरे बर्तन में 6:7 है, ठीक। तीनों को बड़े बर्तन में पलट दिया गया, उस बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या कीजिए। ये क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा तो समझ लो कि फिर उसका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये पक्का है। चलिए भाई देखो, तो यहां पे हम देख रहे हैं तो 5 हो रहा है, यहां पे 9 हो रहा है और यहां पे देख रहे हैं तो 13 हो रहा है। तो जो इनका एलसीएम होगा 5 × 9 × 13, तो इसका इसमें लाएगा तो 13 × 9 117। इसमें 13 × 5 65 का, और इसमें 45 का गुणा होगा, ठीक। इसमें 117 का, इसमें 65 का और इसमें 45 का गुणा होगा। अब इसके आगे